अगर आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप बहुत कम हो गया है या फिर दोस्तों आपके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जिनका यूज करने के बाद आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप 100% डबल हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों, आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है कोई भी टेंशन नहीं है, ये जो सेटिंग है लगभग सभी कंपनी के फ़ोन में ईजिली आपको मिल जाएंगी और इन सेटिंग को करने के बाद आपके फोन का बैटरी बैकअप 100% डबल हो जाएगा। अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बोनस सेटिंग बताऊंगा जिसका यूज करने के बाद आपके फोन की बैटरी डाउन ही नहीं होगी। मजाक से हटके दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सेटिंग के बारे में। इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने फोन की सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको ऊपर की साइड में सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है हैप्टिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हैप्टिक सर्च कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप हैप्टिक सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से सेटिंग्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स होंगी, तो आपको क्या करना है इन सारी सेटिंग्स को ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो सेटिंग है आपके फोन में ऑन होती है तो आपके फोन में बहुत ज्यादा हर जगह पर साउंड होता है, इससे भी दोस्तों आपकी जो बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है। तो आपको इन सारी सेटिंग्स को ऑफ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक बार बैक आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे आपके फोन में एक और सेटिंग दिखेगी, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग दिखाई देंगी, जैसे कि रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन एंड टच फीडबैक, ठीक है। तो आपको क्या करना है इन दोनों सेटिंग को ऑफ कर देना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके फ़ोन में कई बार वाइब्रेशन होता है जिससे भी दोस्तों आपके फ़ोन की जो बैटरी है काफ़ी तेज़ी से कंज्यूम होती है, ठीक है, ख़त्म होती है। तो आपको अपने फ़ोन में ये चेक करना है, उनको ऑफ करके रखना है। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपको पता भी नहीं होगा कि इस सेटिंग से आपके फ़ोन में इतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है, ठीक है। तो फिर से दोस्तों आपके फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है लोकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। लोकेशन सर्च करोगे, लोकेशन सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स दिखाई देंगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी, वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। ये दोस्तों आपके बैकग्राउंड में रन होती रहती है जिससे दोस्तों आपके फोन की जो बैटरी काफी तेजी से डाउन होती है, कंज्यूम होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इन दोनों सेटिंग्स को ऑफ कर देना है जिससे दोस्तों ये जो सेटिंग्स है आपके फोन के बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगी और दोस्तों इससे भी आपकी फोन की बैटरी बैकअप बचेगा। तो आपको ये जरूर से चेक कर लेना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने तीसरे नंबर की सेटिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस सेटिंग को आपको जरूर से चेकआउट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, कुछ इस तरीके से बैक आ जाओगे और यहाँ पे पूरा बैक आ जाओगे। पूरा बैक आने के बाद दोस्तों आप अपने फोन की सेटिंग कुछ इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्च करना है बैटरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बैटरी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बैटरी वाली सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से बैटरी वाली सेटिंग पे क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे आपके फोन में यहाँ पे वो एप्लीकेशन शो हो जाएंगे जो बहुत ज्यादा बैटरी आपके फोन में कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप नीचे के साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपके फोन के बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो आपके फोन की बहुत ज्यादा बैटरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको इनमें सेटिंग्स क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी एडवांस सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारी सेटिंग्स दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है, एक सेटिंग मिलेगी ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो भी आपके फोन में इंस्टॉल होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपके फोन में ये ड्राइव एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में ही सेटिंग मिल जाएगी ऑटो ऑप्टिमाइज, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसी तरीके से दोस्तों को सारे एप्लीकेशन को आपको ऑटो ऑप्टिमाइज में सिलेक्ट कर देना है। जब आप इन एप्लीकेशन को यूज करोगे तभी ये जो एप्लीकेशन है आपकी बैटरी को यूज करेंगे। तो ये सारे एप्लीकेशन में आपको ऑटो ऑप्टिमाइज करके सारी सेटिंग्स को ऑन कर देना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। ये बहुत ही गजब की सेटिंग है। तो अगर दोस्तों आपके फोन में ओएमओएलईडी डिस्प्ले है तो ये सेटिंग आपके लिए काफी यूजफुल है और इस सेटिंग का यूज करने के बाद आपके फोन का बैटरी बैकअप 100% बढ़ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस सेटिंग को यूज करने के लिए आप अपने फोन में डार्क वॉल पेपर को यूज करोगे। डार्क वॉल पेपर के साथ साथ अगर आप अपने फोन में डार्क मोड भी यूज करते हो तो इससे भी दोस्तों आपके फोन की बैटरी काफी अच्छी तरीके से सेव होगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक बोनस सेटिंग के बारे में बताया था, ठीक है।
ठीक है। तो इस सेटिंग को यूज करने के लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल में पावर बटन को दबाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके फोन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेटिंग दिखाई देगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर बटन वाली बटन पे क्लिक करना है और आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना है। इससे दोस्तों आपके फोन की बैटरी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें।